जय श्री राम साथियों, नमस्कार। सभी भाई को दिल से स्वागत है अपने YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। आज दिल बहुत खुश है। कहावत लोग कहते हैं, सही में अपने बुजुर्ग ने कहा है कि कुछ कदम आगे बढ़ाओ तो लोग अपने आप ही पीछे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही हमने कुछ अपनी बातें रखा, अपना दिल का बात रखा, और जितना मैं जीवन में सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कहीं सपोर्ट मिलने लगा। दिल गदगद है, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही प्यार दुलार भाई को देते रहिए। आप इतना जब प्यार देंगे तो हम कुछ ही समय में ऐसा देखने को मिलेगा कि अपने गांव के और अपने शहर के भी सेवा शुरू कर देंगे, जिस हिसाब से मेरे को मतलब सपोर्ट मिला है। YouTube पर भी मिला है, Instagram पर भी। मैंने पहले ही सभी से बोला था कि मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, केवल सपोर्ट का जरूरत है। सपोर्ट लोग किए लेकिन पैसों की बारिश हो गई भाई। दुनिया में दान करने वाले और गौ माता के सेवा में भाव रखने वाले की कमी नहीं है अपने भारत के अंदर। अब भारत के बाद भारत के ही भले लोग हैं जाके विदेशों में बसे हैं, उनको और लगाव है अपनी गौ माता से, भले वो विदेशी गौ माता हो या देसी हो। कहावत है कि नारी देश की हो या विदेश की हो, नारी ही होती है। ऐसे ही गौ माता देसी हो या विदेशी हो, हम अगर सेवा का भाव लेकर जीव को चलते हैं तो आशीर्वाद जरूर लगता है। तो सबसे बड़ा, लोगों ने पैसा, मैंने कभी मांगा नहीं हूँ YouTube से कि पैसा मेरे को चाहिए, केवल सपोर्ट मांगा हूँ। लेकिन लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि हम सक्षम है देने में, उनके पास कुछ है, भगवान का दिया हुआ गौ माता का आशीर्वाद है, उनका कुछ है ऐसा इतना शक्ति कि वो मतलब किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं, चार पांच लोग ऐसे हैं जो मेरे को जबरदस्ती मेरा नंबर लेकर और मुझे कुछ पैसा डाले हैं कि भाई जो तुमने काम उठाया है ना, एक ये नया है गौ सेवा का, मतलब एक गौ पालक का सेवा का जो एक होता है संस्थान, वो एक अलग होता है। लेकिन तुमने अपने घर की गायों को और जो पीड़ा उठाया है तुमने, ये बछड़े को हम पालेंगे, ये किसी का बस का नहीं है, शायद तेरे भी बस का बात नहीं है। लेकिन हो सकता है हम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें तो कर सकता है, लगे रहे, भगवान चाहे तो हो जाएगा। तो उनके बदौलत है कि अब लगता है सक्सेसफुल हो जाऊंगा। देखिए, डेयरी फार्म चलाता हूँ, डेयरी से पैसा आता है, मैं लॉस प्लस होता हूँ, ये सब अलग बात है। माइनस जाता हूँ, कभी प्लस जाता हूँ। अब मैं नहीं कमाता हूँ इसलिए कि मैं एक सेवा के स्वभाव से शुरू से ही चल रहा हूँ। ये स्वभाव मेरा 2020 से ही चल रहा है। लेकिन उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि हम बछड़े को ले जाकर छोड़ दिए। फिर हमने उस बछड़े को 2 महीने बाद देखने गए तो वहाँ नहीं मिले, तो हमारा दिल बहुत नाराज हुआ। उसके बाद हमने अपने मन में संकल्प लिया कि अगर गौ पालन करूँगा, अगर डेयरी फार्म चलाऊंगा बिजनेस के रूप में भी, तो उसकी औकात अगर मेरी हो जाएगी कि बछड़े को या बुढ़ी गाय को अपने यहाँ रख सकूं, तो ही चलाऊंगा, नहीं तो दूध का पैसा मैं नहीं खाऊंगा, मैं सीधा जाके जॉब कर लूंगा। ये मैंने अपने मन में रखा था और यही बात मैंने YouTube पर रखा। पहले तो लोगों ने गालियां बहुत दिया, मतलब 2-4 लोग ऐसे कॉमेंट किए, लेकिन बहुत लोग सपोर्ट भी किए, उनका जवाब भी लोग दिए, तो उसके लिए सभी को पहले तो थैंक्स है। थैंक्स जब बोलता हूँ तो ये छोटा शब्द पड़ जाता है, उनके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है। दिल से वो प्रोत होकर उनको, मतलब मैं ये बात रख रहा हूँ अपने भावनाओं को। सपोर्ट जो कर रहे हैं, देखिए सबसे पहला मेरे को सपोर्ट मिला है जो UK में रहती है, राधिका मैम कोई है, और उन्होंने मुझे वहाँ से मेरा मतलब नंबर पर, वहाँ गूगल पे फोन पर शायद नहीं चलता है, तो मेरे को अकाउंट नंबर मेरा मांगे IFC कोड के साथ, और ज़बरदस्ती मेरे से मांगे व्हाट्सएप पर कॉल करके। राधिका मैम है और उनका निवास जो है मध्य प्रदेश का दत्तात्रेजी गांव ऐसे करके कोई है, राहें गांव की, कौन सा गांव की है राधिका मैम। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, राशि मेरे को, देखिए जिनका सपोर्ट मिला है उन्होंने कभी ऐसा मेरे को बोला नहीं कि, मतलब उन्होंने रोका है कि ये मतलब नाम भी नहीं लेना है। लेकिन देखो भाई, सपोर्ट जो करते हैं उनका नाम आना चाहिए। देखिए उनका बड़प्पन है कि वो चाहते नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया है हमें, भले कोई 10 रुपये का सपोर्ट किया हो या 10,000 का किया हो या 1,00,000 किया हो, पैसा अपने जगह पर है। लेकिन 1 रुपया भी अगर मेरे को कोई सपोर्ट किया है, अगर मेरे को 1 सब्सक्राइब भी किए हैं ना भाई, तो मेरे को पैसा ही दिए हैं। मेरा वीडियो अगर 1 मिनट अपना टाइम बिगाड़ के देखे हैं ना, तो वो मेरे को पैसा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। और वो जो पैसा दे रहे हैं उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस पैसे को हम आपके, आपसे भले परमार्थ का काम नहीं हो सके, आप भले व्यस्त होंगे जीवन में अपने किसी कारण से, कुछ बस से हम भी व्यस्त है, लेकिन हम उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट करेंगे कि उस पैसे से कुछ ना कुछ पुण्य मिले सभी को। तो हमें सपोर्ट करने में आप थोड़ा भी संकोच मत कीजिए। हम दिल के, मतलब भले सकल के काले होंगे चोर जैसे, लेकिन दिल से भाई साफ हूँ। मेरा
नसीब थोड़ा खराब है कि मैं सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ। 2009 से ही 8 से ही अपने पैर पर, मतलब एक बिजनेस चाहे जॉब के रूप में चल रहा हूँ, सब कुछ किया लेकिन सक्सेसफुल कहीं नहीं मैं हो पाया। गुजरात में भी रहा, सब जगह रहा, तो उसके बाद ही मैं गाय में 2018 में आया। तब से मैं चल रहा हूँ, इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी तक मैं चल रहा हूँ। गौ माता के आशीर्वाद से सब चल रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हूँ, उसके पीछे अपना भी गलती है, लेकिन जो चल रहा है वो गौ माता के आशीर्वाद से खूब चल रहा है, चलता रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो हमें पैसा दिया उनको पहले हम सपोर्ट जो किए उनका पहले नाम रख दूँ कि ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ यहाँ से लोग हमें देखते हैं। यूएसए से राधिका मैम, सबसे पहला उनका योगदान आया है अकाउंट के माध्यम से। गुजरात के अहमदाबाद से संजय भाई पटेल के नाम से आया है एक हमें फोन पे पर, जो कि 1100 रुपये की राशि आई है, जो कि सेवा के रूप में बोले हैं कि भाई ये सेवा जो दिए हैं। राधिका मैम का कहना है कि आप सेवा चलाते रहो, हम हर महीने तुमको पहली तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाला करेंगे, ये हमारा वादा है तुमसे, आज जब तक मैं रहूंगी तब तक दूंगी, गौ सेवा तुम करो और जैसा संकल्प लिए हो इसको पूरा करना, इसमें अगर कहीं कमी पड़े तो ज़रूर सबको बताना और वीडियो डालते रहना। भले हम व्यस्त जीवन में है, कॉल पर बात नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा वीडियो हम रोज देखा करते हैं तुम्हारी बातों से, और पूरा वीडियो देखते हैं इसलिए कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि पूरा वीडियो देख लिया करिए ताकि हमें थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है यूट्यूब से, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाल के रोज़ हमारा 10 मिनट वीडियो देखते हैं, तो बड़ी बात है, यूएसए में बैठ कर देख रहे हैं। और अहमदाबाद से संजय भाई पटेल ने पैसा डाला है, उन्होंने हमारा वीडियो भी फुल देखते हैं और उन्होंने पूरा मतलब हर महीने का उन्हें भी हमें आश्वासन दिया है कि तुम करो भाई, तुम नेक काम कर रहे हो, इन बछड़ों को तुम अच्छे से सेवा करो, जो कमियां आ रही है, जो दुबले पतले तुम्हारे गाय बछड़े हैं उनको थोड़ा अच्छे से खिलाओ और उसके लिए हम लोग तुम्हारे साथ है। और मध्य प्रदेश से नाम उनका अलग टाइप का नाम मध्य प्रदेश में लोग का है, राहेड़ करके कोई मतलब ऐसे उनका अटक है, उनका स्क्रीन पर कभी नाम रख के उनका नाम रख दूंगा। मध्य प्रदेश से हैं वो, मेरे को देख रहे होंगे, मेरा रोज़ वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को 2100 रुपये का दान राशि भेजा है कि इन बछड़ों के नाम पर केवल भेजा है, उन्होंने बोला है स्पेशल बछड़ों को तुम सेवा करो और गायों का गौ माता तुम्हारे लिए कर देगी, तुम चला लोगे, लेकिन बछड़े के लिए कोई नहीं होता है, तो बछड़े के लिए उन्होंने दिया है, तो बछड़े के सिवा के लिए जो दिए हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और अहमदाबाद से गुजरात के बडनगर गाँव से, शायद महसाणा जिला के बडनगर गाँव है कोई, वहाँ से प्रतीक भाई सेवक, प्रतीक भाई सेवक ने हमें दिया है 501 रुपये की राशि दिए है और उन्होंने भी बोला है कि तुम सेवा करो और तुमको हम फुल सपोर्ट करेंगे। तो उनका सोशल मीडिया से वो जुड़े हुए इंसान है और सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो, उन्होंने बोला है कि तुम्हारा वीडियो हम 2 महीने के अंदर, हमारा उन्होंने एक टारगेट दिया है कि तुमको कुछ बोल नहीं सकता हूं लेकिन लाखों में तुमको हम ला के दिखाएंगे, तो उनका इसके लिए उनको तो अब जो भी मैं इनके लिए शब्द रखूँ वो छोटा पड़ जाएगा भाई के लिए, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब सपोर्ट हमारे शकल पर नहीं हो रहा है भैया, सबको बता देता हूँ, ये एक मन में जो मैं गौ माता के प्रति मैं अपना लाया हूँ कि लोग अपनी गौ माता को दूध तो सब लोग ले लेते हैं, गाय को सब पाल लेते हैं, हम भी पाल लेते हैं जब तक दूध देती है, हम शौक से खिलाते हैं, जब दूध नहीं देती है तो रूखा सूखा खिलाते हैं, ये हम भी करते हैं, सब लोग करते ही है, लेकिन हमने एक संकल्प लिया और अपना यूट्यूब पर रखा तो उसका आज फैसला मिला कि हमें सपोर्ट इतना मिलने लगा और इतने लोग हमें सपोर्ट किए हैं। और एक कानपुर से एक भाई है जो कि धनराशि नहीं लेकिन हमारे लिए इतना काम किए हैं कि बोले हैं कि आपके फार्म पर एक बार हम आएंगे घूमने और जब आ जाएंगे तब उसके बाद से आपका हम देखेंगे, क्योंकि लोगों का उन्होंने कमेंट पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा संदेह है मेरे ऊपर, लेकिन वीडियो मेरा फुल देखते हैं, वो मेरे फैन है वीडियो का, और उन्होंने बोला है कि महीने के अंदर मेरे पास वो घूमने आएंगे और जब आएंगे मेरे पास उसके बाद उन्होंने बोला है, खुद बोले हैं कि जो खर्चा लगेगा बछड़े को पालने में तुम्हारा, अभी जितने बछड़े हैं, आगे जो आएंगे नहीं आएंगे वो तो भगवान के हाथ में है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, बीजेपी से जुड़े हुए सदस्य हैं, किसी मतलब पद पर है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है और उनको मतलब कॉन्ट्रैक्टर भी है, रोड का मतलब उनका ठीका टेंडर चलता है, जो भी नेशनल हाईवे होता है उसमें, तो उनका मतलब
कहना है कि तुमसे एक बार मिलेंगे और मिलने के बाद हम यूपी जैसा तुम्हारे गौशाला बना देंगे गाय का, ये जो बछड़े का है इसको एक सिस्टम उन्होंने बोला है कि अलग हम करवा देंगे, जैसे कि तुमने योगी जी का गौशाला देखा है उसी टाइप का तुम्हारे लिए बछड़ों के लिए और गायों के लिए बुढ़ी जो हमने रखा है उसके लिए बोले हैं बनवा देंगे। तो यही होता है, लोग बोलते हैं वीडियो बनाता है रोता रहता है, भाई रोने का शौक नहीं है, वीडियो नहीं रखा होता तो ये सब हेल्प किसी से नहीं मिलता। और आज भी मैं सभी से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है भैया, पैसा मतलब यूट्यूब से चाहिए, पैसा चाहिए लेकिन आपके हाथ से कमाया हुआ पैसा मेरे को नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे को सपोर्ट करिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, बस 2-4 मिनट रोज टाइम निकाल के वीडियो देख लीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब करके थोड़ा लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत आगे जाता है और वीडियो से पैसा आने लगता है, उसी से हम काम चला लेंगे। क्योंकि पैसा कोई देगा आज देगा, वो बेचारे का कब कैसा समय आ जाए, भगवान का दया है कि उनके पास क्षमता है देने का, भगवान करे कि जितना मेरे को दे उसके लाखों के लाखों गुना करोड़ों गुना आगे भगवान बढ़ाते रहे गौ माता। लेकिन खुदा करे कुछ गलत ना हो, कुछ हो भी जाता है तो एक समय आता है, हम भी एक समय था कि दान पुण्य बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है, भगवान का दया है, देते हैं आज भी जो अपनी औकात है, खाना पीना हमारे घर में भले नमक आता है 10 रुपया वाला, लेकिन हम बाहर जाते हैं कहीं भी कोई मिल जाता है अगर 10 रुपया मांग दिया तो उसको हम ये नहीं संकोच करते हैं कि नहीं देंगे, तुरंत देते हैं, इसका आशीर्वाद है कि हमें आज सब कुछ में सफलता मिल रही है। देखिए गाय पालन एक ऐसा बिजनेस है कि इसको केवल फायदे के मकसद से जब रखेंगे तो आप फायदा कमा सकते हैं, बिजनेस के तौर पर जब रखेंगे तो फायदा कमा सकते हैं, लेकिन सेवा भाव से अगर लेकर चलेंगे तो आप फायदा नहीं कमाएंगे, फायदा आशीर्वाद इनका रहेगा तो आपको सपोर्ट इति के बदौलत आप पैसा कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, लेकिन गाय से पैसा नहीं आ पाएगा ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं करके देखा हूँ, जो कर रहे हैं वो समझते होंगे। लेकिन जब बिजनेस के रूप में रखते हैं तो इससे पैसा आता है, लेकिन जो पैसा आता है वो भाई पैसा आटेगा नहीं, क्योंकि इनका हाय लगती है, इनका दूध का इनको मशीन बना लिया जाता है और इनसे दूध निकाला जाता है, और जब ये दूध देने के लायक नहीं रहती है किसी कारणवश से ये लाचार हो जाती है या इनका बछड़ा जो आ जाता है वो तो अपने लिए मतलब विपत्ति आ जाता है, बछड़ा आ गया मतलब विपत्ति हमारे फार्म पर आ गया, उसको तुरंत लोग चाहते हैं कि पैदा होते ही लोग छोड़वा देते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बिहार के यूपी के बाहर जाइए आप थोड़ा सा हटिए केरला बेरला साइड में बांग्लादेश के साइड में, ये लोग भारत के अंश है लेकिन बंगाल में, बांग्लादेश का नहीं बंगाल में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि पैदा होते ही उसी दिन बछड़े को लोग दे देते हैं और आता है फार्म पे कोई आदमी और बोरे में कस के लेके चला जाता है, हमने खुद ऐसा देखा है, हमारे गाँव के लोग रहे हैं जिस फार्म में बताए हैं, तो ऐसा ऐसा होता है। तो उससे निदान पाने के लिए मेरे यहाँ भी ऐसा होता, मैं जिस बछड़े को छोड़ा था अपने फार्म से, 4 बछड़े मैंने एक बार छोड़ा था अपने गांव के बगल में, एक जंगल है वहाँ पर जैसे चारागाह होता है राजस्थान हरियाणा साइड में, वैसा चारागाह जैसा है उस एरिया में, और उस एरिया में बछड़े रोज लोग ला के 10-20 छोड़ते हैं, लेकिन वो 10 दिन के बाद बछड़े मिलते नहीं है, वहाँ रोज बछड़े आते हैं 10 और वहाँ से लगभग 10-20 रोज चले भी जाते हैं, तो वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, कोई इस पर रोक टोक नहीं है, और रोक टोक भी कहाँ से होगा भाई, कोई खिलाएगा नहीं सब छोड़ ही देगा, तो पकड़ने वाले की इसमें गुनाह नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह हमारा है कि हम छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें हैं, सपोर्ट मिल रहा है, डेयरी फार्म से हम पैसा तो कमाएंगे क्योंकि हम जानते हैं मेहनत जो कर रहे हैं उससे पैसा आएगा, हमारा केवल अब इतना ही रह गया है कि सिस्टम को चेंज करना है हमें, दूध वाली गाय का एक फार्म अलग रहेगा और सेवा वाला अलग रहेगा, ये दोनों चीज अलग अलग जब रहेगा तो हम भी कमाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे चलता है डेयरी। आज भी मैं इन गायों से, जो मेरी 16 गाय है, इन गायों से आज भी मैं प्रॉफिट में हूँ, इनसे आज भी थोड़ा भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, महीने का ज्यादा नहीं है क्योंकि बकेन गाय ज्यादा है, 15,000 से 20,000 प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ उसका कारण मेरे पास ये सब बछड़े और बछिया तो मतलब आज मेरी धन है, लेकिन बछड़े मेरे लिए अति है, जो गाय का थन मरा गया वो मेरे लिए अति है, तो वो सब का चलिए पुण्य मिलने लगा है और इन सब का आशीर्वाद पैसा भी आने लगा है। तो भाई जो मेरे को गालियां दे रहे थे उनसे पहला नंबर तो क्षमा चाहूंगा कि आप लोग गालियां दिए और वो गालियां लोगों को खटका और मेरे को इतना सपोर्ट मिला, आप लोग गालियां प्लीज मेरे को मत दीजिए, अगर आपको बुरा लगता हूं तो एक बार मेरे पास आके विजिट कीजिए और मेरा स्वभाव और मेरा नेचर और मेरा सेवा और मेहनत आप एक बार देख लीजिए, फिर आप गालियां देने लायक नहीं रहेंगे, ये मेरा गारंटी है कि मैं क्या क्या करता हूं, कितना मेहनत करता हूं अपने जीवन को ही चलाने के लिए, अपने पैसे के लिए ही करता हूं, लेकिन मैं एक भाव अलग रख के करता हूं भाई। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो में उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले सोचा करिए, धरती पर सब लोग खराब नहीं है,
खराब भी लोग हैं, लेकिन सब लोग खराब नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें से बचिए और चलिए जरूर आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव, जय श्री राम।